नमस्ते एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मार्कोविट्स मॉडल, जो कि मॉडर्न कैपिटल मार्केट थ्योरी का पहला मॉडल है। और आज हम इसमें कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसका मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और जिनको मेरे नोट्स चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर बता दें। सो इंट्रोडक्शन में, इन पोर्टफोलियो एनालिसिस एज अगेंस्ट ट्रेडिशनल थ्योरी, द मार्कोविट्स मॉडल एम्फसिस द नीड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज हुज टोटल वेरिएबिलिटी इज लोअर। ठीक है, तो जब भी हम कोई पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब जिसमें सेट ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, जब उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें ट्रेडिशनल थ्योरी के विपरीत जाते हुए हम ये देखते हैं, मतलब ये जो मार्कोविट्स मॉडल है, ये मॉडर्न कैपिटल मार्केट थ्योरी का मॉडल है, जो कि एंटायरली अपोज करता है ट्रेडिशनल थ्योरी को। तो जो पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है, मार्कोविट्स बोलते हैं कि आप किस तरीके से पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें, किस तरीके से आप ये देखेंगे कि आपने जो बकेट उठाई है उसमें आप कौन कौन सी सिक्योरिटीज डाल के पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ चूज़ करके रखी होती है, जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स उठा के रखे होते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में ट्रेडिशनल थ्योरी के उल्टा जाते हुए मार्कोविट्स मॉडल का ये कहना है कि अगर आप अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी आपकी रिटर्न आ रही है, जो भी आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी आपको गेन दिख रहा है अपनी सिक्योरिटी में, अगर आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के साथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन कौन सी सिक्योरिटीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना है जिनकी वेरिएबिलिटी लोअर हो। अब आप लोग बोलोगे वेरिएबिलिटी क्या है, ये होता है रिस्क। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि रिस्क और लॉस दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। लॉस होता है नुकसान, लेकिन जो रिस्क होता है ना, वो क्या है कि आपकी जो रिटर्न है, आपने सोचा कि मुझे 20% तो मिले, 20% से ऊपर भी मिले, लेकिन यहाँ पे वेरिएबिलिटी और रिस्क क्या हुआ कि आपको 20% से नीचे मिल रही है, ये हो गई आपकी वेरिएबिलिटी या रिस्क। तो इसलिए रिस्क और लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो लॉस होता है वो होता है आपका, पास कोई चीज़ पहले से थी, उसका नुकसान हो गया, वो अब नहीं रही, वो हो गया लॉस। लेकिन रिस्क वो नहीं होता, रिस्क वो होता है कि जो भी आपको चीज़ मिलने वाली है उसको खोने का डर। जैसे कि आपने कहा था मुझे 20% या उससे ज़्यादा की रिटर्न मिले, लेकिन आपको जो रिटर्न मिली वो 20% से नीचे की मिल रही है या नीचे गिरने का डर है, उसे हम बोलेंगे वेरिएबिलिटी, रिस्क। ठीक है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को उठाना जिनकी वेरिएबिलिटी या रिस्क कम से कम हो, ताकि आपकी जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, और ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के सेट को पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं। और मार्कोविट्स मॉडल का कहना था कि आपको ऐसी सिक्योरिटीज़ का सेट बनाना है जिनकी वेरिएबिलिटी लो हो, ताकि आपकी रिटर्न मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, और उसके बाद था, सो मार्कोविट्स डिवेलप द थियोरी ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन थ्रू साइंटिफिक रीजनिंग एंड मेथड। इसलिए मार्कोविट्स ने बोला था कि अगर आपको आपकी रिटर्न को सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है, लेकिन आप चाहते हो रिस्क भी कम से कम रहे, तो आप क्या करो, सारे पैसे एक जगह लगाने की बजाय आप पैसे बांट के हर एक शेयर में लगाओ, कुछ टाटा में लगा दो, कुछ रिलायंस में लगा दो, कुछ विप्रो में लगा दो, है ना। इसीलिए इन्होंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में लगाने को बोला, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी साइंटिफिक रीजनिंग की और साइंटिफिक मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया। दिस मॉडल गिवन बाय डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्स इन 1952, ये जो मॉडल था इसे डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्स ने दिया था 1952 में, व्हेन ही प्रेजेंटेड पेपर टाइटल्ड पोर्टफोलियो सिलेक्शन। जब उन्होंने कौन सा वाला जो पेपर था पब्लिश किया था, अपना प्रेजेंट किया था, पोर्टफोलियो सिलेक्शन इनके पेपर का नाम था। तो ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मीनिंग। चलो मीनिंग इसका कल वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।